Hello students, so today we are going to discuss about the CA final SFM revision, and today's the first topic of discussion is portfolio management. So first of all, we will try to understand what is a portfolio management. So portfolio management hota kya hai, usko hum sabse pehle samjhenge, and then we will proceed further in the topic. So let us start with the lecture, and before starting lecture I want to introduce myself. So my name is C.A. Ashutosh Limay. I am a practicing chartered accountant. I have a industry experience of 12 plus years. So I was part of PricewaterhouseCoopers, one of the big four. Then I was also a finance head or CFO for one of the UK based MNC, and I am having a great passion for teaching. That is why I am into the teaching field. I am a visiting faculty in the Institute of Company Secretaries of India, as well as I was a visiting faculty at the Institute of Chartered Accountants of India. So coming back to our discussion topic, so first of all, we will try to understand what is a portfolio management, and this is our first lecture in this revision batch. Okay, so once again I welcome all of you to this revision batch and this portfolio, and I'm sure you will enjoy this revision lecture. Okay, so let us start with our first lecture. So the first point what we are going to discuss is the weightage of marks for the portfolio management topic in the exam. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस टॉपिक का वेटेज क्या है. तो अगर आप देखो तो नए सिलेबस चालू हुआ अपना मई 2018 से, तो उसमें इसको 14 मार्क्स का पूछा गया था. सो लगभग दो क्वेश्चन पूछे गए थे. देन उसके बाद थोड़ा वेटेज कम हुआ, नवंबर 18 में 8 मार्क्स का पूछा गया, मई 18 में 8 मार्क्स का पूछा गया, और नवंबर 2019 में 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है. तो इसका मतलब धीरे धीरे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का वेट जो है बढ़ता जा रहा है. और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट उतना मुश्किल टॉपिक नहीं है. वंस अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए हैं तो आप बड़े आसानी से इस टॉपिक के क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. लेट अस प्रोसीड फर्दर. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता क्या है. सबसे पहले व्हाट इज अ पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो मींस कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट असेट. तो असेट कौन से हो सकते हैं. तो असेट हमारे पास हो सकते हैं शेयर्स, हो सकते हैं बॉन्ड, हो सकते हैं अलग अलग कमोडिटीज, हो सकते हैं इन सब का कलेक्शन माने पोर्टफोलियो. तो मेरा पोर्टफोलियो में आई हैव कुछ सिक्योरिटीज, कुछ बॉन्ड, कुछ कमोडिटी, इस तरीके से हम उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं. माने अलग अलग तरीके के असेट का कलेक्शन या बंडल ऑफ सिक्योरिटी इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो. अब ये ऐसा जो हम बंडल करते हैं या पोर्टफोलियो हम करते हैं वो क्यों करते हैं, पर्पज क्या है ऐसा करने का. तो हमारा मेन पर्पज होता है पोर्टफोलियो का टू मैक्सिमाइज द रिटर्न एंड मिनिमाइज द रिस्क. हमारे को रिस्क कम करनी है और रिटर्न बढ़ाना है. ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के पीछे. उसी लिए हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं कि किस एसेट में रिस्क हम ज़्यादा, किस एसेट में हम रिटर्न ज़्यादा कैलकुलेट अर्न करते हैं और थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेते हैं. दूसरे एसेट में हमारे को रिटर्न थोड़ा सा कम होता है और रिस्क भी कम होती है. तो हम कॉम्बिनेशन करके हमारा जो टोटल पोर्टफोलियो है उसका रिटर्न मोर एंड रिस्क कम ऐसा करने की हम कोशिश करते हैं. तो उसी को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. अब उसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में दूसरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होती है रिटर्न. तो ये रिटर्न क्या होता है. रिटर्न मीन्स आपने जो भी आपका सिक्योरिटी असेट जिसमें भी इन्वेस्टमेंट की है उससे जो इनकम आप अर्न करते हैं उसको हम बोलते हैं रिटर्न. तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में रिटर्न कैलकुलेट करने का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है. तो फॉर्मूला इज d
D1 प्लस P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हम समझते हैं कि एक एक को हम समझते हैं इस फॉर्मूले को। व्हाट यू मीन बाय D1? D1 माने जो भी डिविडेंड है। मान लो हम बात कर रहे हैं किसी सिक्योरिटी स्क्रिप्ट या शेयर्स की, तो आपको मालूम है कि अगर मैं किसी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो उससे मुझे रिटर्न मिलता है, राइट? तो वो जो मुझे रिटर्न मिलता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड माने अभी मैं हूँ 2020 या द करंट ईयर में मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर में मुझे कितना डिविडेंड मिल सकेगा, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, वो होता है D1। D0 माने डिविडेंड फॉर द करंट ईयर एंड D1 माने एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर। उसके बाद नेक्स्ट है P0। अब P0 जो है माने करंट मार्केट प्राइस, आज के दिन में मार्केट प्राइस क्या चल रही है मेरे शेयर की, राइट? तो उसको हम बोलते हैं P0। उसके बाद दूसरा होता है P1 माने एक साल बाद मेरे जो शेयर जहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी मार्केट प्राइस क्या होने वाली है। तो जब हम अगर रिटर्न को देखें तो रिटर्न मुझे दो तरीके से मिलता है सिक्योरिटी पे। फर्स्ट उसके ऊपर का डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है कि मान लो आज मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए तो एक साल बाद उसी 100 रुपीज की वैल्यू समझो 30 रुपीज हुई, 130। तो 130 माइनस 100 दैट इज 30 एंड मान लो डिविडेंड मुझे मिला 10 रुपीज का, तो 30 प्लस 10 दैट इज 40। 40 इज द टोटल रिटर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी। तो 100 की इन्वेस्टमेंट पे इफ आई एम अर्निंग 40, सो इट मीन्स 40% रिटर्न ऑन माय इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 100। सो दिस इज अबाउट द रिटर्न। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो रिटर्न को हमने समझा कि इनकम अर्न फ्रॉम अ सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट, कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके या अलग अलग मेथड्स है जिससे हम रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला तरीका है, उसको बोलते हैं हम अरिथमेटिक मीन। सबसे पहला तरीका है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन माने क्या होता है कि इट इज अ सिंपल एवरेज ऑफ रिटर्न अर्न फॉर अ गिवन पीरियड। कि समझो आपको 5 साल का पुराना एक इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस दिया कि उसके ऊपर रिटर्न आपने कैसे अर्न किया है, तो ये सब 5 साल के इन्वेस्टमेंट का हम टोटल करते हैं और जितने नंबर ऑफ पीरियड है समझो 5 साल है तो डिवाइडेड बाय 5, तो उससे हमें क्या मिलेगा कि 5 साल में उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी से हमने कितना रिटर्न कैलकुलेट किया। तो ये सिंपल एवरेज होता है फॉर द गिवन पीरियड। तो इसको विल जस्ट अंडरस्टैंड, R1 माने ईयर 1, R2 ईयर 3, R3 ईयर 3, सो इस हिसाब से जितने भी ईयर होंगे दैट इज R1, R2, R3, RN डिवाइडेड बाय N माने नंबर ऑफ टाइम पीरियड। सो रिटर्न अर्नड फॉर द पीरियड एंड नंबर ऑफ टाइम पीरियड। नेक्स्ट होता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अभी होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होता है, तो होल्डिंग पीरियड माने उस स्क्रिप्ट को हमने जितने टाइम तक होल्ड किया है तो उस टाइम तक हमने उसके ऊपर कितना रिटर्न अर्न किया, उसको हम बोलते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो उसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से इस कंसेप्ट को समझते हैं कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होता है। तो कंसेप्ट, तो क्वेश्चन ऐसा है, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 100 इन स्टॉक आफ्टर 3 ईयर अर्न रुपीज 130। तो एक 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट हमने की है स्टॉक में तो 3 साल बाद उसके ऊपर 130 का रिटर्न आया, राइट? सो दिस इज अ कैपिटल एप्रिसिएशन। उसके बाद डिविडेंड के बारे में इंफॉर्मेशन दिए है कि नो डिविडेंड इज अर्न फॉर दैट स्पेसिफिक पीरियड, सो कैलकुलेट द रिटर्न फॉर द पीरियड। तो 3 साल के लिए हमें रिटर्न कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला हमारे को मालूम है, D1 प्लस P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। D1 0 दिया है, P1 माने फ्यूचर प्राइस अपने को दिए 130, इन्वेस्टमेंट P0 दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो होल्डिंग पीरियड फॉर 3 ईयर्स हमने कितना अर्न किया, तो हमने 30% अर्न किया। आगे बढ़ते हैं सिंपल एनुअल रिटर्न माने एक साल में इस इन्वेस्टमेंट से या इस सिक्योरिटी से हमने कितना अर्न किया। तो सिंपल है, टू अंडरस्टैंड दिस
we have a very small question, what is the average annual return on the investment? So ये जो हमने अभी इस investment की बात की थी, इसी investment का annual return कितना हुआ? तो simple, हमारे को formula है उसके लिए, holding period return divided by holding period. तो holding period return हमने निकाला है, that is 30% divided by holding period, that is 3 years. Right? So 30% divided by 3 years, so that is 10% per annum. तो एक साल में हमने इस सिक्योरिटी से कितना अर्न किया? तो 10% अर्न किया. उसके बाद फोर्थ टाइप का कंप्यूटेशन ऑफ रिटर्न होता है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, या उसको बोल दूसरा नाम भी है उसको, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न, GMR. तो इसको समझते हैं हम. टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वी विल गो थ्रू अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि CAGR को कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू. एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 इन स्टॉक अर्न्ड ओवर 3 इयर्स 20% माइनस 10% एंड 20%. तो आपको एक चीज रियलाइज, यू मस्ट हैव रियलाइज वन थिंग, दैट इज माइनस 10% इसका मतलब उस रिटर्न से हमारे को लॉस हुआ है सेकंड ईयर में, एंड 20% का थर्ड ईयर में कैलकुलेट किया है. द नेक्स्ट इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. तो थर्ड ईयर में हमारे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हुआ वो हम कैलकुलेट करने के लिए हमारे को बोला गया है. तो चालू करते हैं. सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला समझते हैं. तो इसका फॉर्मूला होता है इनटू द स्क्वायर 1+R1 मल्टीप्लाइड बाय 1+R2 मल्टीप्लाइड बाय 1+RN, माने जितने भी अपने पास RN है नंबर ऑफ ईयर्स माइनस 1. ये है फॉर्मूला, राइट. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इस फॉर्मूला में वी विल रिप्लेस द वैल्यू. और नाउ N कितना है, कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए कैलकुलेट करना है, तो वी नीड टू कैलकुलेट इट फॉर 3 ईयर. उसके बाद फर्स्ट ईयर का रिटर्न इज 20% 1+R1, सो 1.2. नेक्स्ट ईयर का माइनस 10 माने लॉस है, तो 1-0.10 सो 0.90 मल्टीप्लाइड बाय फिर अगेन 0.2 दैट इज 20% सो 1.2. सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस द वैल्यू विल बी, इफ यू सॉल्व दिस इसका आंसर आता है 9.027. ये आ गया हमारे लिए डिस्काउंट रेट. बाय सॉल्विंग दिस वी विल एबल टू अंडरस्टैंड दिस, राइट. इफ यू सॉल्व दिस फॉर्मूला देन यू विल गेट द आंसर 9.027%, राइट. तो ये हमारे को डिस्काउंट रेट मिल गया. अभी हमारे को क्या बोला गया है कि हमें थर्ड ईयर के बाद की वैल्यू चाहिए हो. तो हमने हमारे बचपन में माने इंटर में पढ़ा हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी. तो टाइम वैल्यू में अब हमारे को डिस्काउंट रेट मिल गया है, अब हमारे को क्या चाहिए, वी नीड टू कैलकुलेट दी फ्यूचर वैल्यू. तो फ्यूचर वैल्यू के लिए हमारे को क्या लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंट रेट, राइट. तो फॉर्मूला देखते हैं कि मुझे फ्यूचर वैल्यू 3 साल बाद कितनी वैल्यू है. तो उसके लिए प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास है 100 रुपीज की. उसके बाद का जो डिस्काउंट रेट है वो ऑलरेडी गिवन, दैट इज 1.0927 raised to the power 3. If you solve this, तो इसका approximately answer आता है 130, right? So ये अलग-अलग, so these are the 4 method to calculate the return from a security. Okay? So आप सभी को समझ में आया होगा. So now we will proceed further. Next है कि type of return. तो हम return की बात, we always discuss about the return in the पोर्टफोलियो. तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द रिटर्न इन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. या तो सबसे पहले होता है सिक्योरिटी रिटर्न. इट मींस द रिटर्न फॉर अ स्पेसिफिक सिक्योरिटी और स्क्रिप्ट. सो हाउ टू कैलकुलेट. और दूसरा होता है कि रिटर्न फ्रॉम अ पोर्टफोलियो. एज आई सेड द पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट सिक्योरिटीज. अलग अलग सिक्योरिटी को मिला के हम क्या करते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं. तो रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो. तो ये दो चीजें वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस टाइप ऑफ रिटर्न. ओके, तो सिक्योरिटी रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है.
तो इसके दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के। द फर्स्ट इज बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, या उसको हम हिस्टोरिकल डेटा भी बोलते हैं। तो आपको पुराना परफॉर्मेंस दिया जाता है, माने ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में पिछले 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में कैसे परफॉर्म किया है। ऑन दैट बेसिस वी कैन प्रिडिक्ट और एस्टिमेट कि आफ्टर, माने नेक्स्ट ईयर में कैसे परफॉर्म करेगा। दिस इज द वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग द रिटर्न, कि पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर से उसका रिटर्न क्या होगा। तो फॉर दैट देर इज अ स्पेसिफिक फॉर्मूला दैट वी ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज दिस इज कॉल्ड एज एवरेज रिटर्न, कि अलग अलग साल का प्रीवियस ईयर का डेटा दिया है तो उस सब का हम टोटल करते हैं, राइट। सो फॉर्मूला इज रिटर्न फ्रॉम अ सिक्योरिटी इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस RN, माने नंबर ऑफ ईयर, फर्स्ट ईयर का रिटर्न, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, राइट, डिवाइडेड बाय N, जितने भी आपके नंबर ऑफ ईयर्स है वो। तो इसमें R बार ऑफ द सिक्योरिटी माने एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द सिक्योरिटी, उसको X बार भी बोलते हैं। देन रिटर्न अर्न ड्यूरिंग द पीरियड, कि हर पीरियड में कितना रिटर्न, फर्स्ट ईयर में कितना, सेकंड ईयर, एंड द नेक्स्ट इज N, दैट इज नंबर ऑफ रिटर्न, कितने रिटर्न हमने अर्न किए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड, जितने भी है, राइट। तो ये हो गया सिक्योरिटी रिटर्न का फर्स्ट पार्ट, दैट इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा। तो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा हो गया, राइट। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन फ्यूचर डेटा, माने मुझे नेक्स्ट फ्यूचर में ये सिक्योरिटी से मैं कितना अर्न करने वाला है, वो अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे को प्रोबेबिलिटी दी गई है। तो उस प्रोबेबिलिटी को यूज करके हम प्रोबेबल रिटर्न, या वी कैलकुलेट दी एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर अ स्पेसिफिक सिक्योरिटी, राइट। सो फॉर दैट द फॉर्मूला इज R बार ऑफ द सिक्योरिटी इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाइड बाय P1। व्हाट यू मीन बाय R1? R1 मीन्स द रिटर्न अर्न फॉर दैट स्पेसिफिक सिक्योरिटी एंड प्रोबेबिलिटी फॉर दैट स्पेसिफिक रिटर्न। द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू विल बी समेशन ऑफ ऑल दिस इज कॉल्ड एज द टोटल रिटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी, राइट। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न, देन रिटर्न अर्न ड्यूरिंग द पीरियड एंड प्रोबेबिलिटी फॉर द डिफरेंट रिटर्न। सो समेशन ऑफ ऑल दिस इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम अ सिक्योरिटी, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, देन हमें को देखना है, देन वी विल सी रिटर्न फ्रॉम अ पोर्टफोलियो। तो वॉट इज अ रिटर्न फ्रॉम अ पोर्टफोलियो, बाई यूजिंग दिस वी आर एबल टू कैलकुलेट द रिटर्न फ्रॉम अ सिक्योरिटी। अब ये जो कैसे होता है कि जैसा भी डेटा दिया है, अगर पास डेटा दिया है तो हमें एवरेज कैलकुलेट करना है, और अगर फ्यूचर डेटा दिया है तो प्रोबेबिलिटी यूज करके हमारे को एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है। अब रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, मैंने ऐसे सब सिक्योरिटी के रिटर्न को एक जगह पे लेके आने का। तो फर्स्ट कैलकुलेट द रिटर्न फ्रॉम अ सिक्योरिटी, ये जो बाजू में दिया है हमने वैसे कैलकुलेट करना। देन कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न। अब पोर्टफोलियो रिटर्न जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हम कैसे करते हैं, तो इसमें हम जितने भी उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का वेट है मेरे इन्वेस्टमेंट में, समझ लो मेरी इन्वेस्टमेंट है टोटल 100 रुपीज की, उसमें से सिक्योरिटी ए में मैंने इन्वेस्ट किया है 50 और सिक्योरिटी बी में किया है 50, तो इसका मतलब वेट कितना हो गया उनका, 0.5 0.5, आधा आधा इन्वेस्टमेंट है दोनों सिक्योरिटी का। अब हर उनका जो वेट है उसको मल्टीप्लाइड करने का है उसके रिटर्न से, और उनका जो हम समेशन करेंगे या टोटल करेंगे वो होगा मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न। सेम यही फॉर्मूला दिया है अपने को, R1 मल्टीप्लाइड बाय द वेट 1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय वेट 2 एंड RN, माने जितना भी दिया है सबका टोटल करना है, राइट। सो रिटर्न मीन्स रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी 1 2 3, वेट मीन्स वेट ऑफ सिक्योरिटी 1 सिक्योरिटी 2, हमारे पोर्टफोलियो में उसका वेट कितना है इन्वेस्टमेंट का, राइट। और अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि सिक्योरिटी का वेट कितना है, तो आपको क्या अज्यूम करना है, आपको इक्वल वेट अज्यूम करना है। 2 है तो 0.5 0.5, 3 है तो 0.33 0.33, ओके। सो दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ रिटर्न, सो वी विल प्रोसीड फर्दर नाउ। देन नेक्स्ट आता है इसमें, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। एज आई सेड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट दो ही चीजें होती है, एक है रिटर्न एंड दूसरा है रिस्क या स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मालूम होगा कि डिनोट किया जाता है
सिग्मा से। ओके, सो व्हाट यू मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन? तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ टोटल रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी। हमारे सिक्योरिटी का टोटल जो रिस्क है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है? अब मान लो, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट? सो फॉर दैट वी विल टेक अ स्मॉल एग्जांपल, क्योंकि फर्स्ट अनलेस यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हाउ टू इंटरप्रेट अ स्टैंडर्ड डेविएशन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट। ओके, सो वी विल टेक अ स्मॉल एग्जांपल। सपोज देयर इज अ एक सेल्समैन का डेटा है, समझो हमारे पास कि अलग अलग सेल्समैन है, 100 सेल्समैन है हमारे पास। तो हमारे को ये समझना है कि ये सेल्समैन का परफॉर्मेंस कैसा है। तो हमने क्या किया कि इन सभी सेल्समैन का जो परफॉर्मेंस बोनस उनको दिया है उसका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। तो स्टैंडर्ड डेविएशन उसका मान लो आ गया 9। सो 9 जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो इसका मतलब क्या है? 9 का स्टैंडर्ड डेविएशन माने अच्छा है, बुरा है, क्या है, इसका मतलब क्या है? तो आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल। मैं आपको समझाता हूं कि यह 9 डेविएशन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये जो हमने डेटा दिया है उसमें जो परफॉर्मेंस है अलग अलग सेल्समैन का वो बहुत ड्रास्टिकली डिफरेंट है, कम ज्यादा है। माने इसमें काफी ऐसे होंगे कि जो बहुत कम परफॉर्म कर रहे होंगे, जिनका जीरो भी हो सकता है, और कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो मार्वलसली परफॉर्म कर रहे होंगे, जिनका ग्रेट परफॉर्मेंस होगा, उसकी वजह से डेविएशन आ रहा है इसमें। और अगर 9 की बजाय इस डेटा का माने 100 सेल्समैन का अगर मान लो इनका हो जाता डेविएशन होता सिर्फ 1, तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें कोई डेविएशन नहीं है। तो जितने भी 100 सेल्समैन है वो एक ही लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? तो ये हमारे को एडवांटेज मिलता है कि डेविएशन हमारे को समझ, जितना डेविएशन ज्यादा उतना रिस्क ज्यादा, राइट? सो दैट इज बाय स्टैंडर्ड डेविएशन में। और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूनिट जो हम इन यूनिट इनपुट करेंगे वही आउटपुट में आएगा। परसेंटेज में है तो परसेंटेज में आएगा, अमाउंट में है तो अमाउंट में आएगा। उसके बाद अब जैसे हमने रिटर्न कैलकुलेट किया था, कि रिटर्न हमने दो तरीके से कैलकुलेट किया था, एक तो हमने पास्ट डेटा यूज किया था और दूसरा फ्यूचर डेटा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पास्ट डेटा माने प्रोबेबिलिटी नहीं दी है, तो ऐसे केस में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना है, राइट? तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। सो वेयर वी अंडरस्टैंड फर्स्ट एक्स, एक्स मीन्स इनपुट डेटा फॉर विच स्टैंडर्ड डेविएशन नीड्स टू बी कैलकुलेटेड, राइट? एक्स माने ऐसा जिस चीज के लिए हमारे को स्टैंडर्ड, समझो सिक्योरिटी का रिटर्न दिया है तो रिटर्न रहेगा, जो भी चीज दी है दैट विल बी एक्स। उसके बाद नेक्स्ट है एक्स बार माने एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम दैट स्पेसिफिक सिक्योरिटी। तो हाउ टू कैलकुलेट दैट? इट इज अ समेशन ऑफ एक्स। हाउ टू कैलकुलेट? समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, माने जितने भी नंबर ऑफ हमारे को आइटम दिए, क्योंकि आपको मालूम है कि ये पास डेटा है, जितने नंबर ऑफ ईयर है उसका टोटल लेके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर करेंगे तो वी विल गेट द एवरेज रिटर्न, राइट? सो दैट इज माय एक्सपेक्टेड रिटर्न। उसके बाद नंबर ऑफ आइटम इन द पॉपुलेशन दैट इज एन। एंड देन अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में दी हुई कि अगर समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार हमने किया तो पास डेटा में ये ऑलवेज जीरो आता है, तो एक तरीके का क्रॉस स्टडी है हमारे लिए कि हम जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहे हैं तो हमारे को अगर चेक करना है कि हम बराबर सॉल्व कर रहे हैं क्या, तो दिस इज द स्टैंडर्ड कि एक्स माइनस एक्स बार सबका अगर हम टोटल लेंगे सो दैट विल बी जीरो। नेक्स्ट है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट करते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी निगेटिव हो नहीं सकता, वो जीरो रहेगा या मोर देन जीरो रहेगा, लेकिन निगेटिव माइनस में स्टैंडर्ड डेविएशन पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिस्क फ्री सिक्योरिटी या गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ऑलवेज जीरो होता है।
तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी या गवर्नमेंट सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो क्यों होता है। तो ये अगर तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो क्लास में के बच्चों के लिए क्वेश्चन है, और जो लोग ये हमारा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों कहा है। तो प्लीज आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कीजिए और आपका आंसर बोलिए कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी क्यों जीरो होता है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका जवाब आपको दूंगा। ओके, वी प्रोसीड फर्दर। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फ्यूचर डेटा, जहां पे हमारे को प्रोबेबिलिटी दी गई है, अगर प्रोबेबिलिटी दी है तो उसको स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू इनटू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ x माइनस x बार मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, राइट। सो x एज वी डिस्कस सेम इनपुट डेटा फॉर विच स्टैंडर्ड डेविएशन नीड्स टू बी कैलकुलेटेड, हमारे को कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, नेक्स्ट है x बार को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हर आइटम का रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय उसका प्रोबेबिलिटी और उसकी टोटल इज माय एक्सपेक्टेड रिटर्न, राइट। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने पहले भी बात की थी कि कभी भी निगेटिव हो नहीं सकता, इट विल बी लाय बिटवीन 0 और मोर देन 0, इट कैन नॉट बी लेस देन 0, माने माइनस में हो नहीं सकता। और वो बाकी जो यहाँ पे पॉइंट है वही कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिस्क फ्री सिक्योरिटी, जो आपको कमेंट करना है वीडियो के नीचे, राइट। सो दिस इज अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, नाउ तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने समझ में लिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके डिसीजन रूल कैसे समझते हैं। तो हाई स्टैंडर्ड डेविएशन इज हायर रिस्क, अगर कोई सिक्योरिटी या सिक्योरिटी का रिटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, इट मीन इट इज हैविंग हायर रिस्क। लो स्टैंडर्ड डेविएशन है तो इट मीन लो रिस्क। सो दिस इज अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन। वी प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट है वेरियंसेस। तो वेरियंसेस हाउ टू कैलकुलेट, इट इज अ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिग्मा स्क्वायर इज अ वेरियंस। अबाउट वेरियंस, इट इज अ स्क्वायर ऑफ अ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरियंस इज ऑल्सो कैलकुलेटेड बाय टू वेज ऑफ कैलकुलेटिंग। इफ अगर आपको डेटा हिस्टोरिकल या पास डेटा दिया है जिसमें प्रोबेबिलिटी नहीं दी है तो उसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, राइट। तो एज वी नो कि एक्स माने इनपुट डेटा फॉर विच स्टैंडर्ड डेविएशन नीड्स टू बी कैलकुलेटेड, तो वो हम लेंगे। फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्स बार, दैट वी ऑलरेडी नो। देन नंबर ऑफ आइटम्स इन द पॉपुलेशन, एंड वी नो इफ वी आर यूजिंग द हिस्टोरिकल डेटा देन एक्स माइनस एक्स बार कैनॉट बी इज ऑलवेज जीरो, राइट। नेक्स्ट है कि अगर मैं फ्यूचर डेटा यूज कर रहा हूं तो हाउ टू कैलकुलेट द वेरियंस। सेम फॉर्मूला, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, राइट। सो वेरियंस कैलकुलेशन, इफ द फ्यूचर डेटा इज गिवन एंड प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो गिवन, राइट। सो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। x is the input data for which we need to calculate the standard deviation. Then x bar is the xn माने item और उसका probability, right? Then now the decision rule कि how to decide. Same है जैसे standard deviation के थे, high variance high risk, low variance low risk, right? So this is about the variance. Simple है कि variance is same as per the standard deviation. The difference is स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज अ वेरिएंस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कोवेरिएंस ऑफ टू असेट्स। इट मींस द रिलेशनशिप ऑफ टू सिक्योरिटीज और टू असेट्स बिटवीन ईच अदर, राइट। सो इट इज द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ द टू सिक्योरिटीज। हम क्या करते हैं इसमें कि जो डेविएशन होता है टू सिक्योरिटी का,
उनका एवरेज लेते हैं, उन दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके जो आता है दैट इज कोवेरियंस बिटवीन टू सिक्योरिटी। तो ऐसा करने से क्या होता है, हमारे को क्या समझ में आता है, सो वी विल गेट टू अंडरस्टैंड बाय दिस कि रिलेशनशिप ऑफ द सिक्योरिटी रिलेशनशिप ऑफ टू सिक्योरिटी बिटवीन ईच अदर, ये पॉजिटिव रिलेशन है या निगेटिव रिलेशन है। तो वी विल अंडरस्टैंड इस, अभी हम थोड़ी देर में समझ में आएगा हमारे को कि पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या है और निगेटिव रिलेशन का मतलब क्या है। ओके, नेक्स्ट है सेम ऐसा ही कोवेरियंस का भी, कि हिस्टोरिकल डेटा दिया है तो कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखते हैं हम सबसे पहले। तो हिस्टोरिकल डेटा का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी आपको नहीं दिए है, तो उसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार मल्टी एक्स बार माइनस वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन। तो ये है पास डेटा का। ओके, तो एस डी फ्यूचर डेटा के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस वाई बार मल्टीप्लाइड बाय पी, पी इज प्रोबेबिलिटी। राइट, अब हम समझते हैं इसमें सबसे पहले x एंड y क्या है, तो रिटर्न फ्रॉम अ सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी x एंड y से जो हमारे को रिटर्न मिला है दैट इज सिक्योरिटी x1। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी फॉर आइटम इन द पॉपुलेशन, कि जितने भी हमारे को सिक्योरिटी के प्रोबेबिलिटी दी है उसकी प्रोबेबिलिटी आइटम 1 2 3 जितने भी दिए हैं वो। देन x बार x बार एंड y बार का मतलब है एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम सिक्योरिटी x एंड सिक्योरिटी y। राइट, n is the number of item in the population. As you know, we are talking about this. n is here and probability is here where the future data is given. Okay? आगे बढ़ते हैं additional formula. Covariance को calculate करने के additional formulas भी हैं. Additional में पहला formula है covariance of xy is equal to standard deviation of x multiplied by standard deviation of y multiplied by r. r जो है वो correlation को represent करता है. Correlation क्या है, हम आगे बढ़ेंगे, सिर्फ व्हाट वी आर डूइंग इज कि कोवेरियंस से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हम एक जगह पे लिस्ट आउट कर रहे हैं, तो रिवीजन के टाइम पे हमारे को आसान होगा। राइट, नेक्स्ट फॉर्मूला है कोवेरियंस इज इक्वल टू बीटा ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय बीटा ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, मैंने इन शॉर्ट द वेरियंस ऑफ द मार्केट। राइट, सो दीज आर द टू एडिशनल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कोवेरियंस। अब इसको भी यहां पे डिफाइन किया है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी एक्स एंड सिक्योरिटी वाई। उसके बाद बीटा एक्स वाई माने बीटा ऑफ सिक्योरिटी एक्स एंड बीटा ऑफ सिक्योरिटी वाई। उसके बाद वेरियंस ऑफ द मार्केट, एज आई सेड स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर माने वेरियंस ऑफ द मार्केट। अब हम समझते हैं इंटरप्रिटेशन। मैंने आपको बोला था कि हम समझना चाहते हैं कि इन दो सिक्योरिटी का रिलेशन क्या है। तो अगर हम बोलते हैं कि दो सिक्योरिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, इसका मतलब इनका कोवेरियंस पॉजिटिव में आ रहा है। तो कोवेरियंस पॉजिटिव में है, इसका मतलब ये दो जो सिक्योरिटी है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसका मतलब मेरे पास अगर दो सिक्योरिटी है, मान लो ए एंड बी, तो सिक्योरिटी ए भी ऊपर जा रही है तो सिक्योरिटी बी भी ऊपर जा रही है। राइट, सो दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कोरिलेशन। दोनों एक अगर नीचे जा रही है तो दोनों भी नीचे जाएंगे। उसके बाद निगेटिव कोवेरियंस, अगर कोवेरियंस निगेटिव आता है इसका मतलब ये दो सिक्योरिटी का जो रिलेशन है वो अपोजिट है। इसका मतलब सिक्योरिटी ए ऊपर जा रही है तो सिक्योरिटी बी नीचे जाएगी। राइट, सो इससे हमारे को उन दोनों का रिलेशनशिप समझ में आया। राइट, नेक्स्ट है कि अगर कोवेरियंस हमारा जीरो आता है इसका मतलब दोनों सिक्योरिटी का एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है। ए सिक्योरिटी ऊपर जाएगी तो बी ऊपर भी जा सकती है या नीचे भी जा सकती है, वो इंडिपेंडेंट है, उसका इसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। राइट, एंड लास्ट है कि कोवेरियंस ऑफ रिस्क फ्री, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रिस्क फ्री सिक्योरिटी का ऑलवेज जीरो होता है। राइट, वी प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज आर। आपने अभी के फॉर्मूले में देखा है कि वहां पे एक आर था, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है कि हम समझते हैं कि इन दो सिक्योरिटी का जो कोवेरियंस है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, माने वो दूसरे को पॉजिटिव है आपको या नेगेटिव है, वो तो ठीक है उससे हमारे को समझ में आया कि उनका रिलेशन डायरेक्ट है या रिवर्स है।
राइट, लेकिन हमारे को समझना है कि उन दोनों का स्ट्रेंथ कितना है, दोनों का जो रिलेशन का, तो वो हमारे को समझना है इस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या आर से, राइट। सो इट इज अ प्योर मेजर ऑफ को मोमेंट ऑफ द सिक्योरिटी। तो कितना परसेंट से ऊपर ज्यादा होगा, कितने क्या बोलते हैं उसको, सेंसिटिविटी से या कितने पावर से वो कम या ज्यादा होगा, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो वैल्यू है वो हमेशा प्लस वन से माइनस वन के बीच में कहीं तो भी रहेगा। ओके, सो दिस विल प्रोवाइड यू द रिलेशनशिप बिटवीन द टू सिक्योरिटीज, राइट। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं हम। तो इसका फॉर्मूला होता है आर एक्स वाई, माने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी एक्स एंड वाई। तो फॉर्मूला इज कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. So this will provide you coefficient of correlation between security x and security y. अब इसमें coefficient of correlation of xy r is equal to then covariance xy means covariance of security x and y. उसके बाद standard deviation of x means standard deviation of security x. उसके बाद standard deviation of y means standard deviation of security y. अब हम important, ये बहुत ही important है correlation में, इंटरप्रिटेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो हमारा जवाब आता है कोरिलेशन प्लस वन, तो प्लस वन प्लस से हम समझ गए कि इन दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक चीज हमारे को समझ में आई कि जो रिलेशनशिप प्लस वन है तो प्लस वन का मतलब है कि दोनों सिक्योरिटी एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो प्लस वन का इंटरप्रिटेशन क्या है, प्लस वन का होता है इट मीन्स ये दोनों परफेक्टली एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, माने 100% एक दूसरे के जैसे ही बिहेव करेंगे। सिक्योरिटी ए 10% से बढ़ा तो बी भी 10% से बढ़ेगा, ये 20% से गिरे तो दोनों भी 20% से गिर जाएंगे। तो ये दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, जिस परसेंटेज या जिस डायरेक्शन में जैसे जाएंगे वैसे ही दोनों भी एक दूसरे के साथ जाएंगे, राइट। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज है डायरेक्ट रिलेशन, राइट। उसके बाद तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो पोर्टफोलियो रहेगा जहां पे कोरिलेशन वन होगा या पॉजिटिव वन होगा वो बहुत ही रिस्की होगा, माने एक शेयर डूबा तो दूसरा भी डूब जाएगा। तो यहां पे हमारे को कोई रिस्क मिटिगेशन टूल नहीं है। तो दिस काइंड ऑफ जो पोर्टफोलियो है वो उसको हाई रिस्क की पोर्टफोलियो कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट है कोरिलेशन जो है 100% माइनस वन है, इसका मतलब ये दोनों जो सिक्योरिटी है वो एक दूसरे के साथ एकदम अपोजिट है। ये ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे जाएगा, सिक्योरिटी ए ऊपर जा रहा है तो सिक्योरिटी बी नीचे जाएगा, राइट। और सिक्योरिटी बी ऊपर जा रहा है इसका मतलब सिक्योरिटी ए नीचे जाएगा, तो 100% अपोजिट। अब ये ऐसा जो पोर्टफोलियो रहता है तो वहां पे तो इनवर्स रिलेशन है, तो वहां पे जो रिस्क होती है वो एकदम मिनिमम होती है, क्योंकि ए का रिस्क बी मिटिगेट करता है, राइट। तो समझो बी नीचे जा रहा है ए ऊपर जा रहा है, तो बी का जो रिस्क आ रहा है हमारे को उसको मिटिगेशन करने का जो हमारे को चांस मिल रहा है वो ए की वजह से मिल रहा है, राइट। तो ये एक प्लस एक माइनस तो हम रिस्क मिनिमम है, राइट। नेक्स्ट है आर जीरो, आर जीरो माने इट मीन कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में, सिक्योरिटी ए ऊपर भी जाए या नीचे भी जाए, या सिक्योरिटी बी ऊपर भी जाए नीचे भी जाए, दोनों में कोई रिलेशन नहीं, राइट। सो दिस इज अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट है ये एक दूसरे के से इंडिपेंडेंट, राइट। सो दिस इज अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट है, अब ये सब कंसेप्ट समझने के बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपी के इंस्टीट्यूट के सीए फाइनल के मॉड्यूल से, मॉड्यूल पेज नंबर 5.67 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम रीड करते हैं क्वेश्चन को। A stock costing rupees 120 pays no dividend. The possible price that the stock might sell for at the end of the year with the respective probabilities are. So, हमारे को 6 साल का डेटा दिया है। डेटा कैसे दिया है? Price and probability, right? And then what is required? First पूछा है calculate the expected return from the portfolio. एंड नेक्स्ट पूछा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिटर्न।
राइट। तो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हमारे को अभी विजुअलाइज करना शुरू करना, क्या पूछा है हमारे को, दोनों चीजों के बारे में, दोनों इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पूछा है, फर्स्ट रिटर्न एंड दूसरा रिस्क। अब उनसे भी जब क्वेश्चन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सामने आता है तो हमारे को क्या देखना है कि मुझे प्रोबेबिलिटी दी है, माने ये डेटा जो है वो फ्यूचर डेटा है या पास्ट डेटा है। तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी दी है, और हमारे को क्या पूछा है कि पॉसिबल प्राइसेस ऑफ द स्टॉक, माने फ्यूचर डेटा है। तो हमारे को प्रोबेबिलिटी यूज करके सबसे पहले क्या करना है हमारे को, तो रिटर्न इसका कैलकुलेट करना है। अब रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हमारे को मालूम है कि फॉर्मूला जो है, जो हमने इंट्रोडक्शन के टाइम पे देखा था, क्या फॉर्मूला है रिटर्न का, रिटर्न का वेरी सिंपल फॉर्मूला, D1 प्लस इनटू ब्रैकेट P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, माने डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन का उसका परसेंटेज। तो अब यहां पे हमारे को बोला है कि डिविडेंड कुछ भी नहीं है, सो दैट विल बी जीरो। एंड हमारे को जो प्राइस दिया है, कॉस्ट जो है मेन कॉस्ट, वो दी है 120। तो अब हमारे को क्या देखना है कि अलग अलग प्रोबेबिलिटीज पे जितनी भी शेयर प्राइस दिए है उसका कैपिटल एप्रिसिएशन निकाल के उसका परसेंटेज रिटर्न निकालना है और उसका टोटल, राइट। तो ये है हमारा रिटर्न कैलकुलेट करने का, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन दिस इज द ब्रीफ आइडिया। उसके बाद हमारे को क्या पूछा गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले जैसा हमारे पास रिटर्न है, रिटर्न लेंगे, फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न या प्रोबेबल रिटर्न निकालेंगे, उसका वेरियंस निकाल के फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन। अब मेरा आप स्टूडेंट से यह अनुरोध है कि आप प्लीज अगर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है समझ में आया है तो प्लीज आप वीडियो को पॉज कीजिए, या यहाँ पे जो स्टूडेंट है उनके लिए तो मैं वेट करूंगा, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, और जो स्टूडेंट YouTube पे देख रहे हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ओके राइट। तो आपने सॉल्व किया होगा, तो अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो वी प्रोसीड विद दी आंसर। आप लोगों का भी हुआ है ना सर, ओके ठीक है, देखते हैं फिर। कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड वेरियंस। सबसे पहले तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, राइट। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न, देखो जब भी आप कोई सॉल्यूशन सॉल्व करते हो किसी भी क्वेश्चन को, तो उसको सॉल्व करने का जो टेबल है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो टेबल को सबसे पहले विजुअलाइज करो कि मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो है मुझे पॉसिबल प्राइसेस लेनी है, कौन सी प्राइस उन्होंने अपने को दी है प्राइसेस 6 साल की, तो वो सब लेनी है, 6 आइटम दिए हैं ना। उसके बाद कॉस्ट ऑफ द शेयर, शेयर की कॉस्ट हमारे को दी है। अब उन दोनों का, जैसा हमने बोला है कि डिविडेंड नहीं है तो सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन है, तो रिटर्न, फिर उसका रिटर्न परसेंटेज निकालना है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आइटम, हर अलग अलग इसका अपने को प्रोबेबिलिटी लेने, फिर जो रिटर्न आ रहा है उसको प्रोबेबिलिटी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोबेबल रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न, फिर इस सब का टोटल इज एक्स बार, राइट। उसके बाद हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू, राइट। उसके बाद हमारे को उसका एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और उसका वेरियंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी इंटू द स्क्वायर समेशन ऑफ पी इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, राइट। अब एक एक समझते हैं। सबसे पहले तो जो आइटम दिए है अपने को, 6 आइटम दिए हैं, तो उनके हमने प्राइसेस ली, पॉसिबल प्राइस ये सब हमने लिख ली। उसके बाद कॉस्ट प्राइस हमारे को ऑलरेडी बोला था कि 120। अब रिटर्न हमने हर प्राइस का निकाला, राइट। तो वो आया फर्स्ट केस में 115 माइनस 120, तो ये आ गया -5, फिर 0, 5, देन 130 माइनस 120 सो 10, 135 माइनस 120 सो 15, एंड 140 माइनस 20 सो इट इज 20। उसके बाद व्हाट वी डिड इज हमारे को रिटर्न इन परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज में कैसा निकालेंगे, माइनस 5 डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितनी है अपनी 120, राइट। तो माइनस 5 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आता है
माइनस, ये लॉस है तो माइनस 4.7%। तो ऐसे हमने सब इसके जो रिटर्न परसेंटेज है वो कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद आगे क्या करना है हमारे को प्रोबेबल रिटर्न निकालने के लिए, तो प्रोबेबिलिटी के साथ इसको मल्टीप्लाइड करना है। तो इसको अगर हम माइनस 4.7 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम प्रोबेबिलिटी के साथ तो कितना होगा ये 0.42, उसके बाद 0.83, फिर 0.25, उसके बाद 0.25। तो ये सब जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो आ गया हमारा 7.8। उसके तो यही है हमारा एक्स बार। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा रिटर्न है उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे। तो रिटर्न कौन सा है इसमें का हमारा, जो हमने रिटर्न इन परसेंटेज निकाला है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, ई माइनस एच, एच इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो वो आता है माइनस 11.25, देन माइनस 7.08, फिर आता है माइनस 2.92, देन 1.25, 5.42, 9.58, राइट। अब इसका स्क्वायर वो आता है, हम एक का लेते हैं कि 126.56। तो ये हो गया x माइनस x बार का वैल्यू। अब हमारे को क्या करना है, इसका कोवेरियंस निकालना है। तो कोवेरियंस कितना है, ये सबकी टोटल 12.66 प्लस 5.02 प्लस 1.70, देन 0.47, देन 5.87, देन 9.18, तो उसका टोटल आया 34.90। तो हमने वेरिएंस ऑफ एक्स सिक्योरिटी निकाल लिया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने देखा, इट इज 7.08833, ये जो है वो है एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का हमें मालूम है, इनटू द स्क्वायर रूट समेशन ऑफ पी इनटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो हमारे को क्या करना है, 34.90 का स्क्वायर रूट निकालना है, जो क्या आता है 5.9073, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो दिस इज द फाइनल आंसर, दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि हमारे को प्रोबेबिलिटी दी है और विथ प्रोबेबिलिटी वी कैलकुलेटेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके प्रैक्टिस मैनुअल से, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रैक्टिस मैनुअल का पेज नंबर है 7.15। लेट अस रीड द क्वेश्चन। हिस्टोरिकल rates of return of two securities over the past 10 years are given. Calculate the covariance and the coefficient of correlation coefficient of the two securities. तो हमारे को 10 साल का डेटा दिया है सिक्योरिटी X एंड सिक्योरिटी Y का, और ये रिटर्न कैसे दिया है, तो ये हमारे को परसेंटेज टर्म में दिया है। तो ये जो 10 साल का रिटर्न दिया है उसका हमारे को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या क्या बोला है अपने को, एक तो कोवेरियंस निकालना है और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, राइट। तो सबसे पहले तो हम विजुअलाइज करते हैं आंसर को, हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, रिटर्न एंड आगे। अब रिटर्न कैलकुलेट करते टाइम पहले हमारे को क्या समझना है कि मुझे प्रोबेबिलिटी दी है, माने पास्ट डेटा है या फ्यूचर डेटा है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी नहीं है इसका मतलब, और बोला है कि पास्ट 10 ईयर का डेटा, इसका मतलब पास्ट डेटा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी नहीं है तो डिवाइडेड बाय n करना पड़ेगा, राइट। और ये 10 साल का डेटा हमारे को रिटर्न किया है, ओके। तो जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आपको चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप यहाँ के जो स्टूडेंट है वो इस सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके लिए कुछ देर रुकता हूँ, आप प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ओके। तो आप सबने सॉल्व कर लिया होगा, तो लेट अस सी द आंसर नाउ। तो शुरू करते हैं आंसर। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम कंप्यूटेशन ऑफ कोवेरियंस कैलकुलेट करते हैं। तो कोवेरियंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, जो 10 साल का डेटा है हमारा उसको टेबुलर फॉर्मेट में लेना है, ईयर देन एक्स
एक्स बार हमारे को मालूम है कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जितना भी रिटर्न है 10 साल का उसका टोटल होता है 148. नंबर ऑफ आइटम कितने हैं पॉपुलेशन में? 10. तो 148 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 14.80, ये एक्स बार हुआ. अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका वेरियंस कैलकुलेट करना है सिर्फ एक्स का, सिक्योरिटी एक्स का. वैसे हम वाई का भी करेंगे लेकिन पहले एक्स का समझते हैं. तो एक्स माइनस एक्स बार, एक्स कितना है 12, माइनस एक्स बार कितना है 14.8. तो एक्स माइनस एक्स बार कितना आया माइनस 2.80. वैसे ही हमने सबके किए, 6.80 माइनस में, 7.80 माइनस में, 0.80 माइनस में, देन अभी सब प्लस में, 1.20 प्लस 0.20 प्लस 3.20 प्लस 5.2 प्लस 1.2 एंड 7.2, ये सब प्लस के हैं. अब हमारे को इसका वेरियंस निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसको उसका स्क्वायर देते हैं. स्क्वायर लेने से क्या होता है कि जो निगेटिव वैल्यूज होती है वो भी हमारे को पॉजिटिव में आती है. तो हम इसका करेंगे 2.8 का स्क्वायर अगर करेंगे तो दैट विल बी 7.84. 6.8 का स्क्वायर इज 46.24. ऐसे हमने जितने भी 10 आइटम है सबका स्क्वायर कैलकुलेट किया है. अब इस सब की टोटल जो है वो है कोवेरियंस फॉर सिक्योरिटी एक्स. ऐसे ही हमने क्या किया है, कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी वाई क्या है. अब ये जो सब है वो वाई सिक्योरिटी के रिटर्न है. अब वाई सिक्योरिटी के जितने भी रिटर्न है उसका हमने टोटल किया है, उसका टोटल आता है 210. उसको नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 10, तो 210 डिवाइडेड बाय 10 इज 21. तो 21 क्या है आपका वाई बार हुआ. अब y माइनस वाई बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे 20 माइनस 21 दैट इज माइनस 1, देन 22 माइनस 21 दैट इज 1. तो ऐसे हमने जितने पूरे 10 साल का डेटा कैलकुलेट कर दिया, राइट. अब हमारे को क्या करना है, जैसा x में किया है वैसे वेरियंस निकालना है. तो y माइनस वाई बार का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद नीचे भी 1 का, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9. ऐसे हमने 10 ईयर्स का कैलकुलेट किया है तो इसका जो टोटल आता है वो आता है 84. कोवेरियंस किसका आ गया, ये आ गया वाई. अब हमारे को क्या करना है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई. तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार जो है उनका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक दूसरे के साथ. तो अब x माइनस एक्स बार कितना है 2.8, y माइनस वाई बार कितना है, ये माइनस 2.8 है, ये माइनस 1 है, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज प्लस, तो 2.8 प्लस में. और एक का देखते हैं हम, माइनस 6.8 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 1, तो वो होता है माइनस 6.8. ऐसे हमने पूरे 10 साल का डेटा कैलकुलेट कर लिया तो उसका कितना आ गया माइनस 8 जो है वो हमारा कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटी एक्स एंड सिक्योरिटी वाई हुआ. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन में. अब हम कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, अब हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी एक्स एंड सिक्योरिटी वाई. ओके, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. उसके बाद x का निकालेंगे, x का कितना आया था, x का था 207.6. नंबर ऑफ ईयर्स हमारे को मालूम है 10 थे. उसके बाद तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया, ये आया 4.5563, राइट. वैसे y का कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो कोवेरियंस है दैट इज 84 डिवाइडेड बाय 10, सो इट इज 2.8983. दिस इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. नाउ वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट दी कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटी x एंड सिक्योरिटी y. तो इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ x माइनस x बार मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ y माइनस y बार, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम. सो ये हमने देखा था प्रीवियस टेबल में 10 आया था, सो माइनस 0.80 इज दी कोवेरियंस.
अब लास्ट पॉइंट निकालना है हमारे को कोरिलेशन। कोरिलेशन का क्या फॉर्मूला है? कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। सो माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स कितना है? 4.5563 मल्टीप्लाइड बाय 2.8983। तो कोरिलेशन कितना आया अपना? माइनस 0.0606। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आप सभी का आंसर बराबर आया है? मुझे आशा है कि आप सबका आंसर करेक्ट आया है, राइट? सो दिस इज ओके। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं जो है पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर दो सिक्योरिटी है तो वो पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन या वो पोर्टफोलियो का रिस्क क्या है उसको हम समझते हैं, राइट? तो हम इन्वेस्टमेंट एक से ज्यादा या पोर्टफोलियो क्यों बनाते हैं? ऑब्वियसली हमारे को रिस्क मिनिमाइज करनी है, उसके लिए हम ऐसा करते हैं, राइट? तो मेन पर्पज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है हमारा? मेन पर्पज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन होता है कि हम करना चाहते हैं मिनिमाइज रिस्क और मैक्सिमाइज रिटर्न, ओके? अब इसका जो बेसिक फॉर्मूला है, ये जो पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये हमने जो बचपन में माने सेम है बचपन में 7th-8th में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसी के ऊपर से ये किया है। जो बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा था बचपन में, ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। ऑन द बेसिस ऑफ दिस द पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला इज डेवलप। तो हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला। यस, तो ये दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो फॉर्मूला फर्स्ट इंटू द स्क्वायर, स्क्वायर रूट में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ ए होल स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ बी उसका होल स्क्वायर प्लस 2 वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय आर, यू नो दैट इज कोरिलेशन, आर ए बी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। सो ये जो फॉर्मूला है दैट इज विथ कोरिलेशन। अगर कोरिलेशन दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करने का, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और अगर कोवेरियंस दिया है तो फॉर्मूला कैसे चेंज होगा? सेम इनटू द स्क्वायर इनटू ब्रैकेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ ए होल स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी होल स्क्वायर प्लस 2 वेट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कोवेरियंस बिटवीन ए एंड बी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो के ये दो अलग अलग फॉर्मूला है। अगर आप कोवेरियंस यूज कर रहे हैं तो आपको ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना है, और अगर आप कोरिलेशन यूज कर रहे हैं तो आपको ऊपर वाला फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो अब फॉर्मूला को हम समझते हैं। ए बी वो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी बी। उसके बाद वेट ऑफ ए एंड बी, तो हमारे पोर्टफोलियो में दो सिक्योरिटी का वेट कितना है वो यहां पे दिया है, ओके? नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी ए एंड बी, दैट इज आल्सो गिवन। एंड लास्ट है कोवेरियंस बिटवीन सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी बी, एंड उसके बाद है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी ए एंड बी, राइट? सो ये है पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। अब हम समझते हैं कि पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन एट डिफरेंट आर, माने कोरिलेशन दिया है तो अलग अलग आर पे स्टैंडर्ड डेविएशन का, पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कैसे चेंज होता है, लेट अस सी। मान लो आपको जो आर है वो दिया है 1, इसका मतलब कोरिलेशन दो सिक्योरिटी के बीच में कितना है? 1 है, 1। तो हमारे को मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है अपना विद कोरिलेशन, जो हमने बेसिक देखा था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ ए उसका स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ बी होल स्क्वायर प्लस 2 वेट ऑफ ए
एंड वेट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय 1. अब यहां पे हमने व्हाट वी अज्यूम इज आर इज इक्वल टू 1. सो 1 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी. इफ यू सॉल्व दिस, इसका शॉर्ट में आएगा फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ ए प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ बी. तो इनका अगर टोटल किया, इसका मतलब ये क्या है कि अगर आपका कोरिलेशन 1 है, इसका मतलब दोनों सिक्योरिटी एक ही डायरेक्शन में और सेम इसमें जा रहे हैं, जो हमने पहले भी देखा था कि अगर एक है तो ये सिंपल क्या है, वेटेड एवरेज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. माने सिक्योरिटी ए एंड सिक्योरिटी बी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका जस्ट वेट होगा, राइट. तो ये मैक्सिमम से रिस्क वाला पोर्टफोलियो है, ओके. उसके बाद तो हमने देखा था R1 का मतलब होता है परफेक्ट रिलेशन, माने डायरेक्ट रिलेशन है दोनों का सेम डायरेक्शन, करेक्ट. अब R इज इक्वल टू हमने यहां पे क्या अज्यूम किया है, माइनस वन है. तो देखो इस बेसिक फॉर्मूले में क्या चेंज होता है. तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है जैसा हमने पहले देखा था, राइट, कि ए का वेट एंड उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस बी का वेट एंड उसका स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस टू वेट ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड बी. अगर इस फॉर्मूले को आप सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला क्या होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड वेट ऑफ ए, इसमें से वेट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी लेस होगा. इसका मतलब क्या होगा कि जैसा हमने देखा था कि अगर माइनस वन है, इसका मतलब अपोजिट रिलेशन में, तो ये मेटिगेट करता है. तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो ए में रिस्क हमारे को हुई है तो उस रिस्क को बी की जो माइनस में रिस्क है वो हमारे को मेटिगेट करके आ रही है. तो इसका मतलब हमारी रिस्क क्या होगी, कम होगी. जैसा प्लस वन ये था मैक्सिमम रिस्क पोर्टफोलियो, वैसे माइनस वन जो है वो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो है. आगे बढ़ते हैं. अगर आर की वैल्यू 0 है और दोनों सिक्योरिटी रिस्की है, राइट, तो उस केस में फॉर्मूला कैसे डिफरेंट होगा. ऊपर का तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, नीचे का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो इनके वेट का जो वेरिएंस है उसको हमारे को स्क्वायर रूट से निकालना होगा. ये होगा शॉर्ट फॉर्मूला, राइट. उसके बाद नेक्स्ट है, अगर R 0 है और सिक्योरिटी B रिस्क फ्री है. आपको मालूम है अगर मैं बोलता हूँ सिक्योरिटी रिस्क फ्री है, इसका मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन उसका क्या होगा, 0 होगा, राइट. तो फॉर्मूला देखते हैं क्या हो गया. आप देखोगे तो बेसिक फॉर्मूला में ये इस जगह पे हमने 0 दिया है, राइट. तो सॉल्व होके क्या होगा, तो इन शॉर्ट जो मेरा सिक्योरिटी ए का रिस्क है उतना ही मेरे पोर्टफोलियो का रिस्क होगा, क्योंकि बी क्या है, रिस्क फ्री है, राइट. सो दिस इज अबाउट द पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन. उसके बारे में आपने देखा होगा कि इस नोट्स में हमने क्या किया कि इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं एक ही जगह पे हमने किए हैं, तो उसकी वजह से आपका रिविजन जो है वो बहुत फास्ट होगा, सब चीज़ें आपको अच्छे से विजुअलाइज हो गई, राइट. आगे बढ़ते हैं. अब जो हमने पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए देखा है उसको अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके. तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके मॉड्यूल से है, सीए फाइनल एसएफएम के मॉड्यूल से, मॉड्यूल पेज नंबर 5.67. सो आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू. अजय इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट रुपीज 1 लाख इन द सिक्योरिटी मार्केट. ही सेलेक्टेड 2 सिक्योरिटीज, Security A, Security B for this purpose. The risk return profile of these securities are as follows. Security A and B, उनका risk दिया है, then expected return. Coefficient of correlation between A and B is 0.15. You are required to calculate the portfolio return of the following portfolio of A and B to be considered by Ajay for his investment. अब इसमें अलग अलग पूछा है. क्लॉज ए 100% इन्वेस्टमेंट इन ए ओनली, ए में 100% इन्वेस्ट किया है. क्लॉज टू दूसरा पॉइंट पूछा है, 50% ऑफ फंड इन ए एंड रेस्ट 50% इन बी. उसके बाद 75% फंड इन ए एंड रेस्ट 25% इन बी, 100% इन्वेस्टमेंट इन बी ओनली. Also indicate
that which portfolio is the best for him from the risk as well as the return point of view. Right? आपको समझ में आया क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे पहले तो समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है. दो सिक्योरिटी दी है और सिक्योरिटी के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी गिवन है, हमारे को दिया है 10% एंड 18% और एक्सपेक्टेड रिटर्न दोनों का दिया है. और उसके बाद क्या दिया है, कोरिलेशन भी हमारे को दिया है दोनों सिक्योरिटी का. राइट, अब उसके ऊपर से क्या क्या कैलकुलेट करने को बोला है हमारे को इन्होंने, अलग अलग वेट में अगर इन सिक्योरिटी को हम इन्वेस्ट करेंगे पोर्टफोलियो में तो हमारे को क्या देखना है कि पोर्टफोलियो का रिटर्न और रिस्क कैसे कम ज्यादा होता है. और हमारे को ये भी बोलना है कि कौन से कॉम्बिनेशन में रिस्क एंड रिटर्न, कहाँ पे रिस्क ज्यादा है और कौन से कॉम्बिनेशन में रिटर्न ज्यादा है, या रिस्क के बारे में हम बोलेंगे कि कहाँ पे मिनिमम रिस्क है. तो मैक्सिमम रिटर्न, मिनिमम रिस्क, ये क्या रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा. राइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अलग अलग परसेंटेज दिए हैं एक एक को सॉल्व करेंगे और जितने परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट बोली है उतना हम उसका पहले रिटर्न कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद उसका रिस्क कैलकुलेट करेंगे. राइट, अगर आपको समझ में आया है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है तो आप लोग सॉल्व करो. और जो लोग YouTube पे देख रहे हैं आप प्लीज इस वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. तो मैं आपके लिए इंतजार करता हूँ, आप प्लीज इसको कैलकुलेट कीजिए. आप सबका सॉल्व करना हो गया होगा तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. ओके, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ रिस्क रिटर्न एंड द डिफरेंट अल्टरनेटिव, जो अलग अलग अल्टरनेटिव्स दिए हैं उसमें हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हमारे को देखना है, फर्स्ट हम क्या देखते हैं कि 100% जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ ए में होगा. इसका मतलब बी का हमारे को कुछ कंसिडर करना ही नहीं है. इसका मतलब क्या हो गया, रिटर्न जो क्वेश्चन में दिया है एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% उतना ही रहेगा, जो रिस्क दिया है 10% उतना ही रहेगा. तो ये बहुत आसान है, 100% इन्वेस्टमेंट इन ए का तो 12% एंड 10%. दूसरा जो है क्लॉज टू वो क्या है, 50% इन्वेस्टमेंट इन ए एंड 50% इन बी. अब हम रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12 जो दिया है ऑलरेडी रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 50% प्लस 20% बी का रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय 50%. तो इस पोर्टफोलियो से कितना कैलकुलेट किया हमने रिटर्न, दैट इज 16%. अब रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो हमारे को मालूम है, फॉर्मूला यूज करना है हमारे को. व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज इनटू द स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ ए उसका स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय बी होल स्क्वायर प्लस 2 वेट ऑफ ए weight of A, weight of B multiplied by R, correlation already given between A and B and standard deviation of A and standard deviation of B. अब इस formula में value replace करते हैं, right? So weight of A is 0.5, standard deviation 10% उसका square plus 0.5 उसका square multiplied by 18% यह standard deviation किसका है, बी सिक्योरिटी का है, प्लस 2 उसके बाद वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी दैट इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 ऑलरेडी दिया है अपने को कोरिलेशन जो है वो मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी दैट इज 10%. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब आता है 10.93%. राइट, सो अगर 50-50% इन्वेस्टमेंट ए एंड बी में करते हैं तो रिटर्न कितना आता है 16% एंड रिस्क आता है 10.93%. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं. 75% इन्वेस्टमेंट इन ए एंड 25% इन्वेस्टमेंट इन बी. एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा आएगा इसमें 12 मल्टीप्लाइड बाय 75% प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 25%. सो वो आता है 14% का रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम दिस सिक्योरिटी दिस पोर्टफोलियो. ओके, उसके बाद ऐसे ही हम रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो पूरे पोर्टफोलियो का निकालता है. जैसे हमने ऊपर किया सेम वैसे ही निकालना है अपने को. फर्क इतना ही है कि ऊपर 0.5 था तो यहाँ पे 0.75 एंड 0.25 सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम और इसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे. और अगर वैल्यू आप रिप्लेस करोगे तो फाइनल आंसर जो है वो फाइनल आंसर क्या आएगा अपना 9.30. राइट,
सो रिटर्न कितना आया 14%, 14% रिटर्न, एंड रिस्क कितना आया 9.3073। ओके आगे बढ़ते हैं। फोर्थ तो जो दिया है वो क्या बोला है अपने को, 100% इन्वेस्टमेंट इन बी, जैसे ए का किया सेम वैसे। तो ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी था वो उतना ही लेंगे हम 20%, और रिस्क जो है वो 18%, राइट। तो हम सभी अल्टरनेटिव्स में हमने रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेट कर लिया। आगे अब इसका एक हम कंपैरेटिव टेबल बनाते हैं। तो टेबल से हमारे को समझ में आएगा कि कौन से पोर्टफोलियो में या कौन से कॉम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिला है। तो अगर आप रिटर्न को कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न हमने कैलकुलेट किया है वो कहाँ पे किया है, फोर्थ। सबसे ज़्यादा रिटर्न कहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो ऑप्शन या अल्टरनेटिव फोर में, जहाँ पे हम 100% इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रहे हैं, बी में। सो दैट इज 20% रिटर्न। और सबसे लोएस्ट रिस्क कहाँ पे दिख रहा है आपको, सबसे लोएस्ट रिस्क आपको दिख रहा है थर्ड में, दैट इज 9.3%। थर्ड कौन सा है अपना, 75% इन्वेस्टमेंट इन ए एंड 25% इन बी, राइट। सो ये हो गया हमारा कंक्लूजन। सो फाइनल आंसर अगर रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अल्टरनेटिव फोर इज बेस्ट, और अगर रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थर्ड इज द बेस्ट। सो दिस इज द क्वेश्चन वेयर वी हैव सीन कि अलग अलग सिनेरियो में पोर्टफोलियो का रिटर्न और रिस्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके तो आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया है हमने, एक तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके मॉड्यूल में 5.68 पेज पे है, और दूसरा मई 2018 में सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया है, और ये 10 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को अभी। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ टू स्टॉक्स एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई का हमारे को डेटा दिया है, ईयर, दो ईयर का डेटा दिया है, रिटर्न दिया है 10%, 16%, और रिटर्न ऑफ वाई दिया है 12%, 18%। अब ये जो बेसिक डेटा है उसके ऊपर से यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन क्या क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्ट, द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो कंटेनिंग एक्स एंड वाई इन द प्रोपोर्शन ऑफ 40% एंड 60%। तो 60% एंड 40% प्रोपोर्शन पकड़ के हमारे को क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना है। ओके उसके बाद क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिटर्न फ्रॉम ईच ऑफ द टू स्टॉक, दोनों स्टॉक का हमारे को स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। देन उसके बाद कोवेरियंस ऑफ द रिटर्न फ्रॉम द टू स्टॉक्स, दोनों स्टॉक का कोवेरियंस निकालना है। उसके बाद कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द रिटर्न ऑफ टू सिक्योरिटीज, दोनों सिक्योरिटीज का हमारे को क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन माने आर निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कंटेनिंग द प्रोपोर्शन, वेट दिया है 40% एंड 60%, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न भी हमारे को निकालना है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया, राइट। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो आप लोग प्लीज सॉल्व कीजिए, और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं आप लोग प्लीज इस वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मैं आपके लिए थोड़ी देर वेट करता हूं। ओके तो आप सब ने अभी सॉल्व कर लिया होगा, फाइन। तो हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, सॉल्यूशन, राइट। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद वेरियंस कैलकुलेट करेंगे और कोवेरियंस कैलकुलेट करेंगे। तो टेबल हमने देखा, सबसे पहले ईयर रहेगा। अब अगर इस क्वेश्चन को आप देखो तो इसमें हमारे को प्रोबेबिलिटी दी नहीं, तो इसका मतलब हमारे को क्या करना है, डिवाइडेड बाय एन, प्रोबेबिलिटी है नहीं, पास्ट डेटा का यूज करना है, हमने देखा भी है, राइट। ओके तो 2006 एंड 7 का एक्स लेते हैं, उसके बाद उसका एक्स बार निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो एक्स माइनस एक्स बार माइनस 3, उसके बाद 2007 का निकालेंगे तो प्लस 3, उसका एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सो 3 का माइनस 3 उसका स्क्वायर, दैट इज 9, प्लस 3 उसका स्क्वायर, दैट इज 9। तो कोवेरियंस का टोटल कितना आया एक्स सिक्योरिटी का, दैट इज 18। वैसे हम वाई का भी देख लेते हैं, वाई का कितना आया, वाई का 12 एंड 18 दिया है हमारे को रिटर्न,
वाई बार कितना आया, माने एक्सपेक्टेड रिटर्न दैट इज 15, तो अगर इसको करेंगे तो सेम आता है, -3 -3, तो ये आएगा 9। तो अगर कोवेरियंस देखा जाए तो 9 9, इसका मतलब 18 जो कोवेरियंस है वो दोनों सिक्योरिटी का आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं इसका, कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कोवेरियंस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, नेक्स्ट जो पूछा था राइट, उसको निकाल लेते हैं। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारे को मालूम है, इनटू स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, बिकॉज प्रोबेबिलिटी नहीं दी है तो डिवाइडेड बाय एन करेंगे। तो फर्स्ट केस में 18 - 2 दैट इज 9, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 3। वैसे y का 18 - 2 उसका स्क्वायर रूट आएगा 3। ओके, तो दोनों भी सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 3 3। अब हम कैलकुलेट करते हैं कोवेरियंस। कोवेरियंस का फॉर्मूला, कोवेरियंस बिटवीन x एंड y, फॉर्मूला क्या है उसका, समेशन ऑफ x माइनस x बार मल्टीप्लाइड बाय y माइनस y बार डिवाइडेड बाय n। तो 18 - 2 दैट इज 9, 9 क्या हुआ आपका, कोवेरियंस हुआ। अब ऑन द बेसिस ऑफ कोवेरियंस आगे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे कोरिलेशन। कोरिलेशन का क्या फॉर्मूला है आपको अभी तक तो याद हो गया होगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। सो 9 डिवाइडेड बाय 3 × 3 दैट इज 9, सो 9 9 कट गया, तो फाइनल आंसर इज 1। सो दिस इज दी फाइनल आंसर। क्या क्या पूछा था आपने को, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स वाई, कोवेरियंस एंड कोरिलेशन। अब क्या बचा इसमें सॉल्व करने का, इसके बाद हमारे को पूछा था कि कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो राइट, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला मालूम है हमारे को क्या है, वेट ऑफ एक्स उसका स्क्वायर, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स प्लस वेट ऑफ वाई उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2 वेट ऑफ एक्स वेट ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इसका होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट, नॉट होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट में ये सब है। ओके, अब फॉर्मूले में वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमारे को क्या बोला है कि 40% एंड 60% इन्वेस्टमेंट किया है एक्स एंड वाई में। अगर हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो वैल्यू कैसे होंगे, 0.40 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 0.60 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 2.40 मल्टीप्लाइड बाय 0.60 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 3% दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 3% स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आता है इनटू द स्क्वायर 9, सो द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो कितना आएगा 3 आएगा। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। तो आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, तो मुझे आशा है कि ये जो वीडियो है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ये फर्स्ट लेक्चर था हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था कि बेसिक ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देखा, और फिर एक एक उसके हमने पहले कंसेप्ट समझी और फिर उसके अलग अलग क्वेश्चन हमने देखे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपको समझ में आए होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।